इस साइड पे आप लोग देख रहे हो ये कितनी अर्निंग है। ये सारी अर्निंग आई है वीडियो को एक जगह से डाउनलोड करके दूसरी जगह अपलोड करने से। अपने स्मार्टफोन से सिंपल वीडियो डाउनलोड करो एक जगह से और दूसरी जगह पे अपलोड करो और डॉलर कमाओ। भाई ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, कॉपीराइट के मसले होते हैं, बहुत से रौले रपे, बट मजे की बात यह है कि आपको वीडियो एडिट करने की भी जरूरत नहीं है। आप एज इट इज डाउनलोड करो, उसको ऐसे ही अपलोड कर दो और ये काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे होता है। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको तीन बेसिकल तरीके बताने वाला हूँ और जो हमारा पहला तरीका होगा हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे तरीकों पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, आगे कभी वीडियो में बात करेंगे, बट आपको एक मैं आइडिया दे दूंगा। तो यहाँ पे सीधा हम लोग चलते हैं अपने पीसी के ऊपर, यहाँ पे जाकर चीजों को देख लेते हैं भाई चीजें किस तरीके से काम कर रही। अच्छा, मैंने जो है एक चैनल ढूंढा है, इसका नाम है डेरसी एहरन्स करके इस चैनल का नाम है और ये बंदा इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप वीडियोस डाल रहा है। और इसके अगर मैं अबाउट में गया हूं तो अबाउट के अंदर इसने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है कि ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बट इस बंदे ने कोई भी अपने फेसबुक का लिंक नहीं दिया। अब आप लोगों को पता है कि फेसबुक आपको पैसे देता है और फेसबुक से इतने लोग बंदे कॉपीराइट काम करके पैसे कमा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ज्यादातर लोग मूवीज और शोज अपलोड करते हैं, उसकी बात एंड में करेंगे, वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, चैनल पे जो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट कर देना क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो भाई मोटिवेशन बढ़ती है। अब ये बंदा जो है यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, बट ये बंदा फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। अब लोग कर क्या रहे हैं पहले गेम समझो, फिर आगे मैं आपको रिसर्च करने का तरीका बताता हूँ। यूट्यूबर्स ढूंढते हैं, फॉरनर यूट्यूबर्स, बाहर के यूट्यूबर, ऑस्ट्रेलिया के, कैनेडा के, किसी भी बाहर के कंट्री के, यूरोप वगैरह के, जहाँ पे अच्छा सीपीसी मिलता है, जहाँ पे अच्छे महंगे एड्स चलते हैं, वहाँ के यूट्यूबर्स ढूंढते हैं और उनकी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो खुद ऑफिशियली फेसबुक पे ना हो जाए। लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि इन यूट्यूबर्स की वीडियो को यहाँ से उठाते हैं एज इट इज, कोई उसमें एडिटिंग नहीं है, बस डाउनलोड की, फेसबुक पे अपलोड कर दी और इस तरीके से लोग जो है डॉलर कमा रहे हैं। अब क्योंकि बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस पे जो एड्स, जाहिर सी बात है अब जब ये वीडियो अपलोड करोगे तो आपको, जैसे ये यूट्यूबर ये ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, अब आपको ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस ही मिलेगी वहां पे भी क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम समझ जाता है। आप बेशक वीडियो जहां से भी अपलोड कर रहे हो बट जो वीडियो के अंदर चीज है वो एल्गोरिदम समझ जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया से या उन कंट्रीज से ही आपको व्यूअर्स देगा, ठीक है, व्यूअरशिप आपकी उन कंट्रीज की होगी। और भाई उन कंट्रीज की जो अर्निंग है पाकिस्तान से कम 30 से 40 गुना ज्यादा है, मतलब ये कहने की बात नहीं है, एक्चुअल में इतनी इनकम होती है। जैसे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, चैनल पे मैंने काफी वीडियोस डाली हैं, वहां से ऐसे मतलब होता है कि एक क्लिक न्यूजीलैंड से, मतलब पिछले दिनों में मैंने हमारे कल एक लाइव सेशन भी था प्राइवेट ग्रुप जो है हमारे, उसमें तो मैंने बताया था कि मैं न्यूजीलैंड से दो क्लिक आए थे और उससे 36 या 37 डॉलर बने थे, सिर्फ दो लोग आए और 36-37 डॉलर बन गए, जबकि ये डॉलर पाकिस्तान में बनाने के लिए हजारों की ऑडियंस आती है, 1-2 हजार बंदे आते हैं, 3 हजार बंदे, जब जाके ये 36 डॉलर बनते हैं, ठीक है। तो ये मैं ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ, सेम वही चीज क्योंकि वहां पे एड्स महंगे होते हैं तो सेम वही चीज इधर भी अप्लाई होती है। तो आप लोगों को समझ आ गई कि हम लोग बजाय इंडियन या पाकिस्तानी चैनल्स की वीडियोस अपलोड करने की बजाय हम लोगों ने काम करना है प्रीमियम कंट्रीज की यूट्यूबर्स ढूंढने हैं। यूट्यूबर्स कैसे ढूंढने हैं, कैसे सब कुछ करना है वो मैं आपको आगे बता दूं, आप स्टेप बाय स्टेप ये चीजें देखते रहो। अच्छा, ये हमें मिल गया, हम लोग एक चैनल हमने ढूंढ लिया, ढूंढने किस तरह ये, या मुझे ये चैनल किस तरह मिला वो भी मैं आपको बता दूं। ये अब इस ये इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे फेसबुक पे सर्च किया डेरसी एहरन्स, जो भी इसका नाम है, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना है, मैं पेजेस में गया, किसी किस्म का इसके नाम का कोई पेज यहाँ पे नहीं बना हुआ, ये एक बना हुआ, इसके 3 फॉलोवर है, इस पर कोई कंटेंट अपलोड नहीं है, मतलब ये बंदा यूट्यूब पे है ही नहीं। अब अगर इसकी आप वीडियोस देखोगे तो ये वीडियोस एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं, जो ऑब्वियसली जिस पे अगर आप फेसबुक की बात करते हो तो फेसबुक पे ऐसी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, मतलब मैसिव व्यूज आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। भाई ये आपको एक बंदा तो मिल गया जिसकी आप वीडियोस कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल को मोनिटाइज करवा सकते हो, उससे पैसे बना सकते हो, बट ये काम इस तरह है कि इसमें आपके पेजेस, मतलब इस काम में आप घुसोगे, आप अपना पेज मोनिटाइज करोगे। अब आपको पता है कि फेसबुक पेज को मोनिटाइज करवाने का क्राइटेरिया क्या है, या फिर साथ आप ये भी देख लो कि फेसबुक जो है आपके पेज को मोनिटाइज कब करता है। तो आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, आपने उस कंट्री में रहना है जो एलिजिबल है इन स्ट्रीम एड्स के लिए, यानी फेसबुक मोनिटाइजेशन के लिए। अभी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5000 आपके फॉलोअर होने चाहिए और 60000 मिनट आपका वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये 60000 मिनट इतने ज्यादा नहीं है, यूट्यूब पे आपको 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए होता है, बट वो 1 ईयर में होता है, ठीक है। उसके अलावा जी पेज हैज एटलीस्ट 5 एक्टिव वीडियोस होनी चाहिए, ठीक है, ये देख लो। अच्छा, लाइव वीडियो के लिए बहुत से लोग लाइव, वो मैं आपको बताता हूँ, लाइव वीडियो चला के जो है अपने चैनल को पेज को मोनेटाइज करवाते हैं, तो मिनिमम आपके 10,000 फॉलोअर होना चाहिए और इतना जो है टोटल वॉच टाइम होना चाहिए लास्ट 60 डेज में। बहुत से लोग क्रिकेट के मैचेस चला के वीडियो मतलब कर देते हैं। अगर आप इस पे देखना चाहते हो कि भाई किस तरह आपने क्रिकेट को लाइव चलाना है कि आपको कॉपीराइट भी ना आए, कॉपीराइट आ खैर जाते ही है बट ज्यादा देर चल जाए ताकि आपका वो कुछ ना कुछ पूरा हो जाए, बाद में उसको प्राइवेट करके अपने पेज को लोग, बहुत से लोग मोनेटाइज करवाते हैं, वो तरीका अगर आप जानना चाहते हो नीचे
कमेंट करके मुझे बताओ, इस पर मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा भाई क्रिकेट के या मैचेस वगैरह चला के आप किस तरीके से कर सकते हो। ये चीज अब आपको समझ आ गई है भाई, सबसे पहले आप लोगों ने एक यूट्यूब चैनल ढूंढना है जो कि यूट्यूब पे तो एक्टिव हो, वीडियोज रेगुलर डाल रहा हो बट वो फेसबुक पे नहीं हो। वो चैनल होना कहाँ से चाहिए? वो यूरोप की किसी कंट्री से होना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे 1000-1500 व्यूज भी आने लग जाए ना, पाकिस्तान के हिसाब से वो 15,000-20,000 या 30,000 व्यूज के बराबर होंगे। तो मतलब आप लोग एक वीडियो से $30-$35-$40 जो है कमाने लग जाओगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है। फिर जैसे जैसे आपकी वीडियो ज़्यादा होती जाएंगे आप उस तरह पैसे ज़्यादा कमाते जाओगे। बहुत से लोग हैं $2,000-$2,500 इतने मंथली इस काम से निकाल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये आपको समझ आ गई। अच्छा, अब जो है ना एक चीज़ देख लो, जैसे ये है ना एक सर्च किया है, यूट्यूबर है ठीक है, ट्रॉय कैंडी के नाम से। अच्छा, इसके ना आप दो चैनल, ट्रॉय कैंडी क्लिप के नाम से ठीक हो गया, और एक ये इसका अपना चैनल है ट्रॉय कैंडी, मतलब पेजेस जो है ट्रॉय कैंडी के नाम से है, सही है। तो ये भी अब बंदा जो है काम कर रहा है, कोई किसी ने इसका एक चैनल बनाए हुए ट्रॉय कैंडी क्लिप्स के नाम से, इस पे भी इसके 19,000 फॉलोअर्स हैं। तो इस तरीके से भी लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की चीज़ बता दूं कि आप चैनल कैसे ढूंढोगे। ये एक वेबसाइट है findachannel.net, इसके ऊपर आप सिंपली जाओगे, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जैसे एक्सपेरिमेंट मैंने सर्च किया है, एक्सपेरिमेंट आप डालो, सब्सक्राइबर के आप नंबर डाल सकते हो कि भाई कितने सब्सक्राइबर वाला आपको चैनल चाहिए। तो ये आप 1,00,000 से 1,000,000 वाला कर लो। इसका फायदा ये होगा कि जिसके 1,00,000 से 1,000,000 के दरमियान सब्सक्राइबर होंगे वो जो है बंदा काफ़ी पॉपुलर होगा, मतलब काफ़ी मशहूर होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं बट उसके लोग जानने वाले होंगे, लोग फेसबुक पे भी या इन चीज़ों पे उसको सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम सर्च कर लेंगे। अच्छा, वीडियोस उसकी 100 to any number भी आप कर सकते हो, बट उसकी मतलब 100 to 500 होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसको अपलोड करना है, तो ये सीन होना चाहिए, बट इसको एनी नंबर रहने। वीडियो व्यूज़ जो है उसके जो है ये भी एनी नंबर पे रहने दो। नेक्स्ट जो है ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब है कि उसकी एंगेजमेंट कितनी है, लो एंगेजमेंट है, हाई, मीडियम, ठीक है। तो हाई एंगेजमेंट पे आप क्लिक कर दो, तो उससे ये जाहिर हो जाएगा कि भाई इसका कंटेंट जो है वो काफ़ी, मीडियम पे भी आप कर सकते हो अगर आपको चैनल ना मिले तो हाई पे करो। अगर आपको कोई ऐसा चैनल मिल जाए यूट्यूब पे नहीं है ये सारी चीज़ें करने के बाद, तो भाई आपके मजे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एस्टैब्लिश्ड को रहने दो कि भाई ये चैनल कब बना था, उसका कोई सीन नहीं, आप फाइंड चैनल पे क्लिक कर दो। अच्छा, एक्सपेरिमेंट के लिए क्योंकि हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये जी एक हमारे सामने जैसे चैनल आ गया, इसको हम लोग ओपन करते हैं जी और देखते हैं कि ये चैनल जो है बेसिकली क्या सीन है इसका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे GS Die Ideas पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जी एक एक्सपेरिमेंट चैनल आ गया, ये इसके व्यूज़ काफ़ी कम है, ठीक है, बट हम लोग इसको फेसबुक पे देख लेते हैं कि फेसबुक पे ये चैनल है या नहीं है। अच्छा जी, ये इसने पेज बना हुआ है बट हमने देखना है कि इसका ओरिजिनल पेज है या नहीं, क्योंकि हम लोग इधर चलते हैं और जाके देख लेते हैं जी इसके इधर अबाउट में कि क्या इसने फेसबुक बना है। इसने यहाँ पे किसी अपने फेसबुक का कोई लिंक नहीं दिया हुआ, बाकी हम इसकी वीडियो के नीचे भी जाके देख लेते हैं। अच्छा जी, इसने कहीं भी फेसबुक का लिंक नहीं दिया, मतलब इसका नहीं है चैनल, लेकिन इसकी क्योंकि एंगेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है तो हम इसको जो है इतना वो नहीं लेते अकाउंट में। अब आप लोगों ने इस तरह के इंडियन चैनल तो क्योंकि हमने ढूंढने नहीं है, हम लोगों ने ढूंढने हैं फॉरेनर चैनल। जैसे ये आ गया जी मैक्स डिजाइनर, एक चैनल हमारे सामने आ गया, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मैक्स डिजाइनर को देखते हैं कि ये बंदा फेसबुक पे है या नहीं है। इसने भी अपना फेसबुक का नहीं दिया हुआ, तो हम देखते हैं कि कोई बंदा इस पर कॉपीराइट काम ऑलरेडी कर तो नहीं रहा इसकी वीडियोज़ लेके, और इसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ व्यूज़ भी ठीक आ रहे हैं, तो ये आप जो है इसको कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ इसको फेसबुक पे सर्च कर लेता हूँ। सो ये जी फेसबुक पे नहीं है, ये कोई भी बंदा ऐसे ही किसी ने फेक पेज बनाए हुए, 718 फॉलोअर्स हैं, मतलब ये ऑफिशियली फेसबुक पे खुद नहीं है। और देख लेना है कि ये जो है ये इसने आखिरी वीडियो इस टाइम पे डाली है, तो ऐसे ही किसी ने फेक पेज बनाया हुआ है, कोई इस पे वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर। तो अब आप इस चैनल पे जो है कॉपीराइट काम जो है कर सकते हो इस तरह करके, और ये सीन कर सकते हो। ये एक चीज़ होगी, आपको समझ आ गई कि आपको बाहर के यूट्यूबर्स ढूंढने, सिंपली उनकी वीडियो डाउनलोड करो, एज इट इज अपलोड करो, उनके नाम का पेज बनाओ और छा जाओ, ठीक हो गया। और इजीली, अच्छा इसमें मजे की बात ये है कि इसमें मोनेटाइजेशन आपकी इजीली हो जाएगी। आपने सिर्फ करना क्या है कि आपका अगर कोई दोस्त बाहर वगैरह रहता है, कोई भी बंदा जानने वाला बाहर रहता है, तो आप वहाँ का जो है उसको एडमिन बना दो पेज का, ठीक है, वहाँ से वो अप्लाई करें इस तरह की वीडियोज़, क्योंकि ये जेन्युइन वीडियो ओरिजिनल वीडियो है। अब कॉपीराइटेड मूवीज़ जो है उसमें मसले मसाइल बहुत आते हैं, उसको आपको एडिट करना पड़ता है, वॉइस की पिच आगे पीछे, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, उसमें फिर भी कॉपी, लेकिन ये तो क्योंकि ओरिजिनल वीडियोज़ है ना। अब मैक्स डिजाइनर को फेसबुक वाले नहीं जानते, क्योंकि ये खुद फेसबुक पे है नहीं और इतना फेमस भी नहीं है कि इसको ऑटोमेटिकली जानते हो, तो
आप इसकी वीडियोस को अपलोड करके काफी अच्छे पैसे बना सकते हो। ठीक हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे आया, तो यहाँ पे आप देखें एक बंदा है, इसने ये मूवी अपलोड की हुई है और इसके जो है व्यूज जो है 23 मिलियन है। इसने वीडियो महीना एक पहले अपलोड की है। ठीक है, चेक करो, ये जो है क्रिकेट की वीडियोज इन्होंने अपलोड की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाओ जी, ये चेक करो, ये अब इसने जो है कपिल शर्मा का शो अपलोड किया, इससे बहुत लोगों ने पैसा बनाया कपिल शर्मा का शो अपलोड कर करके। ये चेक करें इस पर कितने व्यूज हैं, 37 मिलियन व्यूज। अब ये किसी ने ऐसे ही इसकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगी हुई और इस बंदे ने कॉपीराइटेड वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक हो गया। इस तरीके से लोग जो है कॉपीराइटेड वीडियोस अपलोड करके काफी अच्छा पैसा जो है वो बना रहे हैं। आप भी ये काम कर सकते हो, इस पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो 15-20 मिनट की बन सकती है कि आप लोग प्रॉपर ये काम किस तरह करोगे। तो अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कहते हो कि बिलाल भी इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं डेफिनेटली इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से ये काम होता है, कहाँ से आपने मूवी डाउनलोड करनी है, कैसे उसको एडिट करना है, क्लिप कितना रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने पेज को मोनेटाइज किस तरह करवाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यूट्यूब पे ये काम नहीं हो सकता मूवीज़ वाला, ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फेसबुक पे मूवीज़ वाला काम आज भी चल रहा है, बहुत कम हो गया, फेसबुक काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया, बट स्टिल अभी चल रहा है। 2-3 साल पहले मतलब लोगों ने बहुत इससे अच्छा पैसा बनाया है। तो ये सारा सीन है। बाकी फेसबुक से ये दो तरीके तो हो गए कॉपीराइट वर्क वाले। तीसरा तरीका ये है कि आप लोग फेसबुक को एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी जो है मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग daraz.pk का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, गेमिंग के जो ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन करते हैं, अगर आप पाकिस्तान के में खेलना चाहते हैं। ठीक है, गेमिंग के पाकिस्तान के जितने भी ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं, उधर जाके आप लोग अपना सेटअप की वीडियो लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा सेटअप, मैं इसकी वीडियो लगा देता हूँ। ये काम अगर आपका सेटअप नहीं भी है, आप गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हैं कि ये मेरा सेटअप। वहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे भाई ये माउस कौन सा है, ये कौन सा है, तो वहाँ पे आप भाई उनको अपना एफिलिएट लिंक शेयर कर दो दराज के माउस का, किसी भी उसी माउस का जो भी मतलब उस फोटो में है। जैसे ये एक लॉजिटेक का माउस है, तो आप लोग लॉजिटेक का माउस का दराज से लिंक उठा के वहाँ पे शेयर कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप एफिलिएट से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। इसी तरह अगर आप बाहर के किसी कंट्री में खेलना चाहते हो टेक प्रोडक्ट में या किसी चीज़ में भी, तो उस मुल्क के फेसबुक के वो ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है, उसको उस हिसाब से खेलो। बाहर के गेमिंग की मैं बात कर रहा था, तो गेमिंग को ही लेके चलो, तो आप लोग कनाडा में जो गेमिंग ग्रुप्स हैं फेसबुक पे वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे साथ ही आप अमेजोन का जो एफिलिएट ज्वाइन करो, और अमेजोन का एफिलिएट आप इजीली पाकिस्तान से ज्वाइन कर सकते हो, तो उसके जो लिंक हैं आप वो वहाँ पे शेयर करो और पैसा बनाओ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा पैसा, बहुत ज़्यादा चीज़ें यार ऑनलाइन पैसा कमाने की, और बहुत अच्छा पैसा इन कामों के अंदर, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा जो है वो मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मेहनत तो है ही, इतनी ज़्यादा भी मेहनत जितना पैसा उस हिसाब से भाई ये मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी आप मेहनत ये धक्के खाते हैं पाकिस्तानी इधर उधर मजदूरियों में और ये वो इस काम में, उतना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे पैसे हैं, डॉलर्स में कमाइए, मज़े हैं। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब घंटी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।